चीनी मिल तो बंद हुआ था जब लालू यादव का गुंडा राज। अब तो पहले वाली बात नहीं रही कि गन्ना ले ये पेड़ दीजिए और चीनी पैदा कर दीजिए। हम लोग भी यहाँ किसान थे और हम लोग का भी एक गन्ना यहाँ आया करता था। उस गन्ने से एक साल के कमाई से हम अपने बच्चों को पढ़ा लिया करते थे या फिर अपने बहनों की शादी कर लिया करते थे। नहीं, जब चलता था तो रौनक था, लगता था कि मरहौरा एक औद्योगिक नगरी है। लालू यादव जी आदरणीय जो छपरा को बहुत कुछ दिए, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी दिए, सारे इंजीनियरिंग दो फैक्ट्री दिए, मुजफ्फरपुर जाने के लिए वो दिए, लेकिन इस पे तो लालू प्रसाद यादव जी का कोई प्रयास नहीं रहा। हम अभी सारण लोकसभा क्षेत्र के मरहौरा विधानसभा क्षेत्र में, सारण लोकसभा सीट बिहार का हॉट सीट कहा जाता है। कारण ये है कि यहाँ से पूर्व केंद्रीय मंत्री भाजपा के प्रत्याशी के रूप में राजीव प्रताप रूढ़ी मैदान में है, तो दूसरे तरफ लालू के विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उनकी बेटी रोहिणी जो है मैदान में है। और हम जिस स्थल पर खड़ा है आप देखेंगे 1924 में इस चीनी मिल का स्थापना हुआ था जो यहाँ के लाखों लोगों के रोजी रोटी का जरिया था। स्थिति यह थी कि किसान जब गन्ना बेचते थे तो उसके पर्चे से अपने घर का खर्च तो चलाते ही थे, अगर दहेज देने की भी बात हो तो वो आत्मनिर्भर होते थे और पैसा जो है वो महाजन उनको उस पर्चे के हिसाब से भी दे देते हैं। एक तरह से यह बड़ा ही समृद्ध कहा जाता था कि मरहौरा जो है ये प्रसिद्ध औद्योगिक नगरी भी थी। यहाँ एक साथ सारण डिस्टिलरी, सारण इंजीनियरिंग, चीनी मिल और मोटर मिल, कुल चार या पांच जो कारखाने हैं ये यहाँ पे थे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। एक बार फिर से चुनाव है, लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो है चीनी मिल जो है कभी यहाँ के आर्थिक समृद्धि का केंद्र रहा था, पिछले दो तीन दशकों से जो है ये लगातार अब बंद है, अब स्थिति ये है कि जर्जर हो गया है। क्या लगता है, इसको देखने वाला कोई नीति नियत सरकार के पास नहीं है, क्या कमी रहती है? नहीं, ये चीनी मिल तो बंद हुआ था जब लालू यादव का गुंडा राज और माफिया राज चल रहा था। उसी समय चीनी मिल, और चीनी मिल ही नहीं मोटन मिल भी उसी समय बंद हुआ। और मरहौरा जो है एक औद्योगिक नगरी हुआ करती थी, ये अंग्रेज के ज़माने से लालू जी ने उसको नेस्तनाभूत करने का काम किया है। हमारी सरकार जरूर प्रयास करेगी आगे चल के कि ये कैसे हो, सफलता अभी तक नहीं मिली। जब चीनी मिल यहाँ था तो लोगों को क्या क्या फायदा था? चीनी मिल से बहुत सारे फायदे थे, लेकिन अगर राजद सरकार के द्वारा, लालू यादव के द्वारा ये बंद करा दिया गया तो उसके बाद जो भी फायदा होना था वो बंद हो गया। बहुत सारे फायदे थे, किसान को फायदा था, व्यवसायी को फायदा था, फायदा तो था, समाज के प्रत्येक तबके को फायदा था, लेकिन जब जंगल राज के द्वारा, गुंडा राज के द्वारा यह बंद करा दिया गया तो उसके बाद निश्चित रूप से समाज को घाटा हुआ चीनी मिल। लेकिन रूढ़ी जी यहाँ प्रयास भी किए थे कि चीनी मिल लगे, तो ये जो बंद कराया उससे नहीं पूछा जाता है, लेकिन रूढ़ी जी ने अगर चलाने का प्रयास किया तो बार बार सवाल, ऐसे विकास हम ही करते हैं तो सवाल तो हम ही से पूछा जाएगा, क्योंकि विकास पुरुष भी हमारे पास हैं और विकास हम ही करते हैं, लेकिन रूढ़ी जी ने चलवाने का भरसक प्रयास किया, जो भी उसमें कमी रह गई हो। तो कहने 1500 एकड़ खेत जो है, जमीन जो है, ये चीनी मिल का था, काफ़ी समृद्ध। रूढ़ी जी ने प्रयास भी किया, ईमानदार प्रयास किया, सफल नहीं हुए, क्या कारण लगता है? मेन बात यह है कि रूढ़ी जी ने प्रयास किया इस चीनी मिल को चलाने के लिए, लेकिन उस समय के उन्होंने गन्ना की रोपाई भी करवाए, लेकिन फिर भी मिल नहीं चला पे। गन्ना उन्होंने खरीद करके फिर उन लोगों को पैसा दे, कृषि लोगों को जिनसे दिए थे बोलने के लिए। लेकिन रही बात ये चीनी मिल जब बंद नहीं रहती, ये राजद की सरकार में जिस समय लालू जी हमारे थे यहाँ पर, उस समय ये चीनी मिल बंद हुई थी। अगर चीनी मिल आज बंद नहीं होती तो हमारे मरहौरा के आसपास के जितने भी लोग, व्यवसाय लोग जितने भी हैं, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, आज मरहौरा में चलने की जगह नहीं रहती, जितना यहाँ पर वर्कर खड़ रहता। उन्होंने, लालू जी ने ले आकर के एक मिल बैठा दी यहाँ पर, फैक्ट्री बैठा दी है, इंजन फैक्ट्री, उसमें बताइए हमारे कितना भी रोजगार मिला है, एक भी आदमी यहाँ का रोजगार उसमें मिला है वहाँ। लेकिन सारण डिस्टिलरी था यहाँ पे, सारण इंजीनियरिंग यहाँ पे था, मरहौरा चीनी मिल था, इसके बाद मॉडर्न फैक्ट्री भी थे, तो ये चार गो नवरत्न कंपनियों में कुछ कंपनी थी, इसको क्यों नहीं, इस पर प्रयास हो रहा है? सर, इसको प्रयास करने वाले जब खुद नहीं किया तो बाद में क्या करें, जब टूट फूट गया, सब खत्म हो गया। आज क्या स्थिति, आज देखिए सामने आपको स्थिति दिखाई दे रहा है, ये चलने मान की है। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने नेता से बोल करके यहाँ दूसरा कोई व्यवसाय चालू कराएंगे ताकि कुछ गरीब जनता उसमें कमाए खाए। कुछ और लोग हैं, हम इनसे भी जानेंगे। आप मरहौरा के स्थानीय हैं, ये बताइए कि चीनी मिल से क्या क्या उस समय लाभ होता था, कैसे लाभ होता था, क्या था? देखिए, पूर्व के 90 के जो सरकार बिहार में चल रहा था राजद का, उस समय एक एक कर यहाँ की चार औद्योगिक इकाइयाँ बंद हुई है। आप सारण इंजीनियरिंग को भूल रहे हैं, जिसमें रॉ मटेरियल तैयार होता था,
चीनी मिल का रोलर रोलर चलाने के लिए लोहे का बहुत बड़ा हब था, जिसको सारण मिल को 90 में जब बंद होने के कगार पर आया था, यहाँ के मजदूर और आम लोग एक कमेटी और टीम बनाकर, लालू जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, पटना गया लोग, पटना जाके बोला लोग कि सारण मिल बंद होने के कगार पर है, कुछ प्रयास कीजिए, तो लालू जी ने डांट के भगा दिया। मुझे याद है उन वर्करों का कुछ नाम भी कि भागो तुम लोग, जब आते हो तो छपरा में खनुआ मिल का बात, खनुआ नाले का बात करते हो और सारण मिल का बात मरहड़ा का करते हो। तो एक एक कर इकाइयाँ बंद हो, यहाँ की शराब फैक्ट्री थी, मिठाई मिल था बिरला जी का चॉकलेट का, अंतिम में चीनी मिल भी बंद हो गया और पिछली सरकारों ने कोई प्रयास नहीं किया। बंद होने के बाद स्थानीय सांसद ने बहुत प्रयास करके उद्योग को फिर से जगाने के लिए, बैठाने के लिए कुछ उद्योगपति को यहाँ पर बुलाया गया, जैसे जवाहर जायसवाल वगैरह हुआ करते थे, लेकिन वो सरकार के गलत नीतियों के चलते उस समय औद्योगिक पलायन हो रहा था, उद्योगपति लोग अपहरण के डर से बिहार छोड़ के भाग रहे थे, तो माहौल अच्छा नहीं था। आरूजी जी का प्रयास भी विफल हुआ, क्योंकि चीनी मिल को चलाने में डायरेक्ट राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोषी नहीं है, इसलिए दोषी नहीं है कि ये BIC ग्रुप कपड़ा मंत्रालय के द्वारा टैग है और इसका डायरेक्ट नियंत्रण केंद्र और राज्य का नहीं है, इसलिए चाह कर भी केंद्र की और राज्य की सरकारें कुछ नहीं कर सकती है। इसका एक प्रोसेस है, नीलामी में जाएगा या जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। तो दिन आपको याद होगा जब चीनी मिले यहाँ था तो किसानों की जो रौनक थी, किसानों के घर की जो आर्थिक समृद्धि थी, गन्ना लोग बेचते थे, तो उस समय क्या सीन था? उस समय एक अद्भुत सीन था और सच पूछिए तो 5-7 प्रखंडों के किसान अपना गन्ना लेकर के, जब मिल चलता था यहाँ, यहाँ तो मेला लगता था, और गन्ना बेच करके उससे जो नगद आमदनी होता था उसे तरैया के हो, मकेर के, भेल्दी के, मरहड़ा के, बनियापुर के किसान अपना पैसा भजा करके ले जा करके शादी का कार्यक्रम करते थे, श्राद्ध का कार्यक्रम करते थे, और एक अलग रौनक था। और सच कहिए तो आर्थिक आमदनी का एक बहुत बड़ा जरिया था, किसान के साथ साथ मजदूर भी बेरोजगार हुए। अगर इसका अधिग्रहण कर लिया जाए, इसकी भूमि का, तो दूसरा कोई नया उद्योग लग सकता है। अब चीनी मिल तो आधुनिकीकरण के युग में आ गया है, अब तो पहले वाली बात नहीं रही कि गन्ना ले आइए पेर दीजिए और चीनी पैदा कर दीजिए। तो देखिए, हम लोग शुभकामना देते हैं भाई नरेंद्र मोदी के सरकार को, स्थानीय सांसद को, कि एक सफल प्रयास होगा जो फिर से यहाँ की औद्योगिक नगरी को जिंदा किया जाएगा। हम लोग सार्थक प्रयास में लगे हैं। देखिए, जो लोग हैं उनका साफ साफ ये कहना है कि राजद के सरकार के गलत नीतियों के कारण यह चीनी मिल जो है धीरे धीरे बीमारू घोषित होने के बाद बंद हो गया, और आज स्थिति यह है कि इस चीनी मिल को चालू करने का प्रयास किया गया था, ईमानदार प्रयास किया गया था, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। आपको सर क्या लगता है कि इस चीनी मिल की क्या उपयोगिता होगी, इसको यहाँ होने से लोगों को क्या लाभ होगा, ये बताइए। चीनी मिल से यहाँ के किसानों को सीधा इससे लाभ होता है, क्योंकि ये क्रैश क्रॉप का बात होता है और उनके जीवन का जो जीवन स्तर है, आर्थिक स्थिति है, वो ठीक होती है। हम लोग भी यहाँ किसान थे और हम लोग का भी एक गन्ना यहाँ आया करता था, उस गन्ने से एक साल के कमाई से हम अपने बच्चों को पढ़ा लिया करते थे या फिर अपने बहनों की शादी कर लिया करते थे। बाजार में अगर कभी ऋण की आवश्यकता हुई तो उसका रसीद रख के बाजार से पैसा उठा लिया करते थे, तो किसानों को इसे सीधा लाभ था। आने वाले दिनों में नेतृत्व जो भी यहाँ से लीडर होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है, चूँकि आपने 1500 एकड़ कहा, ये 400 एकड़ का ज़मीन चीनी मिल का है, या निश्चित रूप से पुनः चीनी मिल खुलना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज बेवकूफ़ नहीं थे जिन्होंने पूरे बिहार का पहला चीनी मिल 1904 में यहाँ स्थापित करने का काम किया था। और उसके बाद सारण इंजीनियरिंग बना, शराब मिल बना, मॉर्टन चॉकलेट का मिठास था कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस बार जो नेतृत्व जीतेगा और सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से चीनी मिल पर ध्यान दिया जाएगा, जिससे कि सीधे यहाँ के किसानों को लाभ होगा। एक बड़ी समस्या है और आपके पास इतना मतलब जमीन भी है यहाँ पे, आप लोग जो स्थानीय बता रहे हैं, तो क्यों नहीं इसको मतलब IT पार्क बनाया जाए, खिलौना पार्क बनाया जाए, कंप्यूटर पार्क बनाया जाए, इस टाइप का जो है यहाँ के जो भी राजनेता हैं क्यों नहीं उनको दिखता है? नहीं, इस मैटर को मैं भी जानता हूँ कि जहाँ तक बियाडा का आप देखिएगा कि बिहार में प्रत्येक जिला में सारण को छोड़ के बियाडा का जमीन है, और बियाडा जहाँ जमीन लेते हैं वहाँ
औद्योगिकरण होता है या उद्योग धंधे खुलते हैं और सरकार वहाँ सुविधा देती है। हमने भी जिला पदाधिकारी महोदय से मिला था और यहाँ जमीन का मांग किया था, लेकिन यहाँ बियाडा के तरफ से कोई जमीन अधिग्रहण का काम, जमीन तो अतिक्रमण कर लिया गया है। लोग कह रहे हैं कि यहाँ के जो चीनी मिल का जमीन था इसको भी अतिक्रमण कर लिया गया है, आधे पौने दाम में जमीन भी बेचे जा रहे हैं। एक तरह से ये कह रहे हैं लोग कि जमीन माफिया सक्रिय हो गए हैं, तो कहाँ कमी रह गई है? नहीं तो ये कोर्ट में चला गया है और लगभग 15-16 केस इस पर चल रहे हैं, जिसके चलते काफ़ी दिनों से लंबित मामला है। इसे कोई भी उद्योगपति यहाँ पर निवेश करने के लिए आना नहीं चाहता। पर प्रधानमंत्री आए थे तो बोले थे कि यहाँ हम चीनी का चाय पियेंगे, 10 साल हो गया इस बात के, निश्चित रूप तो प्रधानमंत्री भी मतलब बिहार को लेकर सेंसिटिव नहीं है, ऐसा लगता है क्या? नहीं नहीं नहीं, प्रधानमंत्री जी को पूरी दुनिया मानती है और प्रधानमंत्री जी ने बोला था और जनता से आग्रह किया था, लेकिन जनता ने कहा उनके आग्रह को सुना और यहाँ से जिस प्रकार क्या करता जनता मतलब आके मिल लगा था सर? नहीं नहीं, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे जो यहाँ विधायक के उम्मीदवार हैं जिताइए, और जिताने के बाद जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से यहाँ चीनी मिल स्थापित होगी। और साल से तो गठबंधन की सरकार सुनिए ना, और उसके बाद भी यहाँ की जनता ने मढ़ौरा में, बगल का आपका गरखा में, परसा में, सब जगह भरोसा नहीं जताया। परिणाम हुआ कि सरकार नहीं बन पाई बिहार में, जिसके चलते आप उम्मीद करते हैं, रिजल्ट की बात करते हैं, लेकिन आपने तो उतना मदद नहीं किया, जिसके चलते पुनः जब भाजपा के मात्र 3 विधायक नहीं जीतने से सारण का चीनी मिल नहीं बना, ये तो मतलब नहीं नहीं, आप ये देखिए कि उस समय भाजपा की सरकार नहीं बनी और उस समय जो गठबंधन उनका महाठगबंधन जो कहिए चाहे इंडी गठबंधन में आप भी गए? नहीं हम लोग नहीं गए। ठीक है, ये तो ऊपरी मामला है बड़े नेताओं का, हम उस पर नहीं बोलेंगे जनता, लेकिन जब नीतीश जी भाजपा के साथ रहे हैं बिहार का चौमुखी विकास हुआ है, जब नीतीश जी बिहार में 17 साल में आपको नहीं, 17 साल में आपको रोड नहीं था बिहार में, विकास हुआ तभी जनता ने, मढ़ौरा में ही बोल रहा हूँ, कहीं सड़क नहीं था, सड़क में गड्ढा था कि गड्ढा में सड़क था नहीं पता चलता था। यहाँ से तो बोला था हेमा मालिनी का गाल बना, आप सुनिए लालू जी ने बोला था यहाँ से जब हम अमनौर तक जाते थे और पटना जाते थे, सुनिए ना, पटना जाते थे तो हम लोग को पूरा दिन लग जाता था और पूरे दिन में माने 12 घंटा जाने में और 12 घंटा माने 24 घंटा एक दिन का प्लान करते थे तो हम लोग पटना जाते थे और अपहरण हत्या सबका यहाँ चीनी मिल की बात कहिए, औद्योगिक नगरी की बात कहिए। तो मैं उसी पर आ रहा हूँ, जब आपका रोड नहीं रहेगा, लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहेगा, बिजली नहीं रहेगा, पानी नहीं रहेगा, कहाँ से उद्योग खुलेगा? आज के दिन में ये सारी चीजें लग गई हैं और आपको पता होना चाहिए। उम्मीद कर रहे हम कि भाजपा की सरकार अगर आती है केंद्र में तो एक बार फिर से इसके दिन बहुरेंगे? निश्चित रूप से बहुरेंगे, और चूंकि अब नीतीश जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, तो निश्चित रूप से मढ़ौरा का भी कल्याण होगा, छपरा का, पूरे बिहार का होगा। ठीक है, और कुछ लोग हम जानना चाहेंगे, आप तो मढ़ौरा के स्थानीय हैं जी, तो चीनी मिल से क्या फायदा था यहाँ के लोगों के, आपके जो पूर्वज है क्या बता चीनी मिल के बारे में? यहाँ से डायरेक्ट लोगों को सब फायदा था, यहाँ से सबसे ज्यादा फायदा था कि हर जगह से आदमी का नगदी आमदनी था, गाँव से आपके जितने भी आपके पकड़ लीजिए शाम कौड़िया मढ़ौरा असैया तकीना जितने भी गांव हैं सब लोग यहाँ लोग अपना ईंख लेके आते थे, नगदी फसल का उन लोगों का आमदनी था, सब लोग इसे नहीं चलने से मिल बहुत प्रभावित हुए हैं। तो क्या आप लोग क्या चाहते हैं मढ़ौरा वासी? हम लोग हर आदमी यही हार्दिक इच्छा होगा और सरकार से भी डिमांड होगा कि एक बार सफल प्रयास किया जाए और यहाँ एक चीनी मिल चलाने का। हाँ जी जी, तो निश्चित रूप से उद्योग नहीं होने से पलायन बढ़ रहा है और कुछ और लोग हैं, आप ये बताइए कि यहाँ औद्योगिक प्रयास हम लोग कर रहे हैं बनेगा, मोदी जी कहे हैं बनेगा एकदम, मोदी जी तो 10 साल पहले कह के गए नहीं बनेगा, प्रयासरत हैं, अरे प्रयासरत हैं मोदी जी एकदम बनाएंगे, सब लोगों का विश्वास है कि मोदी जी काम करेंगे। देखना ही ना, सब लोगों के घर में 6-6 हज़ार का सोलिना जा रहा है, सब लोगों का घर में चावल जा रहा है फ्री में, अनाज जा रहा है फ्री में, सब किसान जो ईख बोते थे उनके यहाँ ईख की खेती तो बंद हो गई, उनका तो नकदी काम खत्म हो गया। नहीं तो अब सब लोग गेहूँ बो रहे हैं, चावल बो रहे हैं, सब लोग तो अब सुखी हैं, उसे भी सुखी है अभी। चीनी मिल मतलब कोई मुद्दा नहीं, चीनी मिल चलेगा, मोदी जी बोल करेंगे हैं चीनी मिल का प्रयास हो रहा है, चीनी मिल चलेगा।
देखिए जो लोग हैं यहाँ उनको आज भी ये आशा है कि चीनी मिल जो है ये चलेगा, लेकिन कब चलेगा ये अयक्ष प्रश्न बना हुआ है। आप हमको बताइए ना, इस औद्योगिक नगरी का जो महत्व था पहले की, मरहौरा औद्योगिक नगरी है, चार चार फैक्ट्रियां हैं, 40,000 वर्कर हैं, आज मरहौरा सुना सुना लग रहा है, आप लोगों को कैसा लगता है? नहीं, बुरा तो लगता है, लेकिन जिस सरकार में बंद हुआ सर, सबसे ज्यादा दोषी तो वो लोग हैं जिनके सरकार में बंद हुआ। बंद तो हुआ राजद के सरकार में ना, वीरान हो गया, पांच पांच फैक्ट्रियां थी, पांचों फैक्ट्रियां उन्हीं के सरकार में बंद हुआ। तो उसके बाद तो सरकार बदली है। बदली ठीक है, लेकिन एक बार कोई जानते हैं कि बंद हो जाने के बाद क्या हाल होता है, आप खुद समझ पा रहे हैं सर। तो उसी टाइम में सारी फैक्ट्रियां बंद हुई उन लोगों की। क्या मतलब? नहीं, जब चलता था तो रौनक था, लगता था कि मरहौरा एक औद्योगिक नगरी है, जिला से ज्यादा अच्छा लगता था, लेकिन आज तो वीरान हो गया है। क्या चाहेंगे? हम तो चाहेंगे कि सब जो जितने औद्योगिक बंद हुए हैं वो चालू हो। देखिए, हम अभी औद्योगिक नगरी मरहौरा में थे, जहां आप देखेंगे तस्वीरों में कि सामने ये चीनी मिल, सारण इंजीनियरिंग, मॉटन मिल की जो बिल्डिंग है ये जर्जर हो चुकी है, और ये जो है यहाँ के लोग जो है किस तरह। अब हमारे सामने एक और युवा हैं, हम इनसे भी जानेंगे। ये बताइए बसंत जी कि चीनी मिल से नहीं चलने से क्या नफा नुकसान है? देखिए, चीनी मिल तो सर, आप नफा नुकसान पक्ष विपक्ष और मतदाता सभी चाहते हैं कि चीनी मिल चले, क्योंकि बहुत नुकसान है। गन्ने की खेती से क्रैश क्रॉप लैंड था, ये गन्ना बेचते थे और रसीद लेके चले जाते थे, विवाह हो, शादी हो, कहीं एडमिशन कराना हो, मेडिकल ट्रीटमेंट करानी हो, पक्ष विपक्ष जितने मतदाता हैं, जो भी पार्टी को पसंद करने वाले हैं, सभी लोग चाहते हैं कि फैक्ट्री चले। ये बात प्रधानमंत्री तक पहुंचे, ये बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचे, ये बात सांसद महोदय तक पहुंचे, तो चीनी मिल अवश्य चल सकता है। कितना प्रोजेक्ट है इसका? 250-300 करोड़ होगा, और इसे छपरा, सिवान, गोपालगंज, उत्तर। युवा अपने अंदर बदलाव की भूमिका में नहीं देख रहा है। बदलाव लाने के लिए पहले युवाओं को बदलना होगा, विचार को बदलना होगा, वैसे लोगों को चुनना होगा, और लगातार अपने गार्जियन से ये दबाव देना पड़ेगा कि नहीं, इसको आपको, इस चीनी मिल के मुद्दा को प्राथमिकता आपको देना पड़ेगा, अपने से ऊपर तक इस बात को पहुंचाइए। राजीव प्रताप रूडी ने तो ईमानदार प्रयास किया था गन्ना, बहुत, उनके सिवाय कोई प्रयास किया ही नहीं है, तो नहीं सफल होता। हाँ, तो क्या चाहेंगे आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि जो भी जीते वो यहाँ के उत्थान के लिए काम करे, नहीं तो आने वाले दिन में इतिहास जब लिखा जाएगा तो राजनीति निर्वंशी का ठप्पा लग जाएगा। देखिए, राजनीति निर्वंशी अभी तो राजनीति है, जो भी है पक्ष में विपक्ष में है, लेकिन उनके आने वाली पीढ़ी को भी तो राजनीति करना है, वो लोग सत्ता में नहीं होंगे। कि युवा अपनी जरूरत को अभी नहीं समझ रहा है, तो बेटी को उतार दिए तो भाई जीते, बधाई है, कोई भी उतार सकता है, सिग्रवाल जी भी उतार सकते हैं, माननीय सांसद राजीव प्रताप भी, रूढ़ी जी भी उतार सकते हैं, लेकिन युवा धीरे धीरे अपनी जरूरतों को समझ रहा है, और जरूरतों को समझने के बाद ही वो सोच रहा है कि हम किसको वोट दें। अब युवा जागरूक हो चुका है। वोट का मुद्दा बनेगा? बाप रे, बिल्कुल बनेगा। चीनी मिल मुद्दा तो था और हमेशा रहेगा। एक सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी के अलावा चीनी मिल चलवाने का जो भी प्रयास हो, 5% हो या 500% हो, किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं किया। आरोप भी है कि इनका लोभ था, कि कुछ डील नहीं है, क्या हुआ, तो और किसी ने भी तो किया होता। कोई नहीं किया, मतलब मरहौरा उपेक्षित रह गया। उपेक्षित रह गया। तो लालू यादव को जवाब देना पड़ेगा ना, कि लालू यादव कहते हैं कि सारण हमारी कर्मभूमि रही है और उनके कर्मभूमि में ये चीनी मिल नहीं चालू हो पाया। लालू यादव जी तो प्रयास करते तो ये चल नहीं जाती। लालू यादव जी आदरणीय, जो छपरा को बहुत कुछ दिए, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी दिए, सारण इंजीनियरिंग दो फैक्ट्री दिए, मुजफ्फरपुर जाने के लिए वो दिए, लेकिन इस पे तो लालू प्रसाद यादव जी का कोई प्रयास नहीं रहा। लालू जी से तो एकदम मांग है कि वो सत्ता में है भाई, उनके बेटा विपक्ष में है, यहाँ से वो लोग बने हैं, यहाँ मिट्टी हटा दीजिए, लालू जी भूल जाए तो उनको नामो निशान कोई राजनीति में नहीं रहेगा, और वहीं की भूमि को, उपजाई भूमि को बंजर बनाने में सबसे अहम योगदान रहा है उनका, क्योंकि उन्हीं के, सभी लोग कहते हैं, कैमरे पे बोलते हैं, कैमरे के पीछे बोलते हैं, उन्हीं के राज में फैक्ट्रियां बंद हुई, इसी के पश्चाताप नजर में देखते हुए तो वो दो फैक्ट्री दिए कि मुझे इतिहास में नहीं रखा जाएगा। बेला फैक्ट्री दिए और डीजल इंजन कारखाना दिए, क्यों दिए और जगह क्यों नहीं दिए? स्थानीय लोग को तो नौकरी नहीं मिल पा रहा, नहीं नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी क्या, वो तो 1300 एकड़ जमीन में बनने वाली थी वो डीजल इंजन कारखाना, मात्र 70 एकड़ में, वो सब जमीन बंजर है, वो सरकार का ही है, लेकिन जमीन तो बंजर है ना, वो तो उपजाऊ नहीं है। जमीनों पे जो उसका विस्तारीय रूप कराए किया जाए,
डीजल इंजन कारखाना का जो मेड इन रोजा जहाँ पे इसका सर्विसिंग सेंटर है वहाँ पे गुजरात में, उसको वापस लिया जाए वहाँ से और यहाँ पे बैठाया जाए, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा उसमें। तो देखिए, हम अभी मढ़ौरा औद्योगिक नगरी में हैं और हमारे पीछे आप देखेंगे तस्वीरों में कि चीनी मिल है, और इस औद्योगिक नगरी में लोगों का ये दर्द है कि 90 के दशक में बीमारू घोषित होने के बाद बंद हुए इस चीनी मिल, सारण इंजीनियरिंग और मॉडर्न कंपनियां जो है ये जो बंद हुई थी, अगर इसको जो है राजनीतिक प्रयास अगर किया जाए तो इसको शुरू किया जा सकता है, जिससे बड़े स्तर पर पलायन भी रुक जाएगा और लोगों को रोजगार की भी व्यवस्था होगी। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार को का ध्यान कब तक इस चीनी मिल पे या इस चीनी मिल के बंजर जमीन पे जाता है और इसके दिन कब बहुरते हैं। कैमरा पर्सन विशाल के साथ राकेश।